50 से 60 100 के आसपास में पशु यहाँ भिजवा चुका हूँ। के टाइम में भेजे गए थे जो मरे हैं हम पीएम, जो मैंने पशु भिजवाए हैं वो मुझे यहाँ पे पाए नहीं गए। बड़े उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोवंशों को लेकर सजग दिखाई देते हैं और हर जिले में गो आश्रय केंद्र बनाने की बात करते हैं। मेरठ में भी एक गो आश्रय केंद्र बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है कान्हा उपवन। इस वक्त हम उसी गो आश्रय केंद्र में मौजूद है। प्रतापपुर में ये गो आश्रय केंद्र बनाया गया है। आपको यहाँ जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि इनका आरोप है यहाँ से काफी संख्या में गोवंश गायब हो चुके हैं। चलिए बातचीत करते हैं इन्हीं लोगों से कि आखिर क्यों वो आरोप लगा रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा है और जीवनदान फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं। मैं यहां पर आवारा पशुओं को भिजवाता रहता हूं। जो बीमार पशु होते हैं उनको मैं नगर निगम ट्रॉमा सेंटर सूरजकुंड भिजवाता हूं। जो स्वस्थ पशु होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको कोई हानि ना हो रोड पे, उनको यहाँ पे भिजवाता हूँ। लेकिन मैंने आके देखा यहाँ पे जो मैंने पशु भिजवाए हैं वो मुझे यहाँ पे पाए नहीं गए, क्योंकि मैं 50 से 60 100 के आसपास में पशु यहाँ भिजवा चुका हूँ। और मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर मर गए हैं तो आप मुझे उसकी फोटो दिखाओ, कोई वीडियो दिखाओ। इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैडम क्या 30 ही पशु मरे हैं? अगर इनसे कोई सवाल जवाब कर रहा हूँ मैं तो इनका कोई भी स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिल रहा है। और मैं योगी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जब से यहाँ पर गोवंश भिजवाए हैं मैं कल पहली बार आया हूं और मुझे यहां पे गोवंश नहीं दिखाई दिए। सोनू शर्मा पिछले एक साल से मेहनत कर रहे हैं गोवंशों को वो सड़क पर से लेकर आते हैं और यहां इस गो आश्रय केंद्र में भिजवाते हैं। जो मैडम है यहां पर जो चिकित्सा अधिकारी हैं, आपका डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम आज आ गए तो ये कुछ भी आरोप लगा देंगे? इनका आरोप है कि काफी संख्या में गोवंश यहाँ भेजे थे लेकिन सब गायब है। ये इनके टाइम में भेजे गए थे, जो मरे हैं हम पीएम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा ये रहता है लक्ष्य। हमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं हरपाल जी, वो भी मौजूद हैं। हरपाल जी से बातचीत करना करेंगे। हरपाल जी, आपके चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की और जो यहाँ जो ये लोग हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं। जो पशु आते हैं ये मैं मान सकता हूँ कि हमारी जो जगह है, जो गौशाला में जगह है वो थोड़ा कम हो गई, इसमें नंबर ऑफ एनिमल गोवंश ज्यादा हो गए, हम उसे विस्तार कर रहे हैं। और आपस में जो सांड होते हैं वो आपस में जो है ओवर क्राउडेड होने की वजह से आपस में लड़ जाते हैं, वो एक इशू हो सकता है। बाकी हमारे यहाँ से कोई पशु ऐसा गायब नहीं होता। चलिए बिल्कुल देखना होगा कि आखिर इन लोगों को आरोप है और जो डॉक्टर हरपाल सिंह की सफाई है। मेरा समझो कि राहुल के साथ लोकेश टंडन लाइव टुडे।